तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहूंगा हमारे इस ऑनलाइन डेमो क्लासेस में, और थैंक्स भी करना चाहूंगा कि आपने मुझे चूज किया और मुझे डेमो देने का मौका दिया। और मेरे साथ दो लोग ज्वाइन है, मिस्टर सुधीर और मिस्टर विकास। विकास जी ने सेल्फ हेल्प से ज्वाइन किया है और सुधीर जी जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं सिस्टम। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर जिसके जरिए आप क्लास ले रहे हैं इसके बारे में बता दूंगा, ये जूम ऐप, इसका काम है कंप्यूटर स्क्रीन को शेयर करना और कम्युनिकेट करने के लिए वॉइस का ट्रांसफर करना। इसको हम लोग नेट मीटिंग भी कह सकते हैं। तो अभी क्या कर, अभी किसी क्लासरूम में आप जाएंगे तो क्लासरूम में क्या होगा कि आपका जो ट्रेनर है वो कंप्यूटर स्क्रीन को आपके कंप्यूटर पे टेलीकास्ट करेगा, प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट करेगा और आपको पढ़ाएगा। सेम उसी तरह से मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन को, जो भी हमारा स्क्रीन है, जो भी माउस मूवमेंट होगा, जो भी एक्सेल पे हम टाइप करेंगे, हर एक चीज हम आपके सामने शो करेंगे। और जो भी जैसे मैंने वी लुकअप लगाया, चुकअप लगाया, कोई फॉर्मूला लगाया, आपको लाइव दिखेगा। आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझसे उसी समय पूछ सकते हैं डायरेक्टली, वॉइस चैट के जरिए नहीं, आप मुझसे खुद बात कर सकते, क्योंकि तो आप भी लाइव रहेंगे और मैं भी लाइव रहूंगा। कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं, कोई चैटिंग सुविधा नहीं। ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे लाइव क्लासेस तो होती है लेकिन वो लोग ऑडियो अलाउ नहीं करते हैं, ओनली फॉर चैट। चैट में क्या होता है कि अब जैसे कि 30 लोग 35 लोग ज्वाइन है, क्योंकि तो मैं इससे पहले भी क्लासेस लेता हूँ, मैं दूसरे दूसरे ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए, जैसे एक और है आपको बिग सीरीज है, एग्जाम सीरीज है, ऐसे वेबसाइट, ऐसे जो है वेबसाइट्स, उनके लिए भी मैं ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करता हूँ। तो लोग ऑडियो अलाउ नहीं करने देते, बट हमारी क्लासेस में ऑडियो अलाउ होता है। और सबसे बड़ी बात, स्मॉल साइज बैच होता है। बाकी ट्रेनिंग सेंटर में 20 बंदों का ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 3 से 5 लोग ही होते हैं, 1 से 5 लोग ही ज्वाइन करते हैं हमारे इस बैच में, एवरेज 3 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उनके ऑफिशियल क्वेश्चंस को अलाउ करते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने 15 बच्चों को पढ़ाया और 15 ने एक एक सवाल पूछ दिया, तो सवाल का जवाब देने में ही 2 घंटा बीत जाएगा, क्योंकि एक सवाल पर अगर 5 मिनट भी लगाया तो जो लीजिए कितना मिनट लगेगा। इसलिए हम 2-3 बच्चे ताकि उनके हर एक ऑफिशियल सवाल का जवाब दे सके, क्योंकि आपकी क्वेश्चंस मेरी नॉलेज होती है और आपके क्वेश्चंस को मैं क्लास की टॉपिक बनाता हूँ। जैसे आपके कोई फाइल आपने दिखाया कि मुझे इसको ऑटोमेट करना है, तो उस फाइल को हम आपके क्लास के टॉपिक बनाते हैं। इसी पेड़ पे हमारी क्लासेस लाइव होती है। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि आप अभी जैसे रात को 8 बजे क्लासेस ले रहे हैं, अब ट्रेनिंग सेंटर रात को 8 बजे आपको क्लास तो नहीं दे, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में चले जाइए, वो 8 बजे रात में, 9 बजे रात में आपको क्लासेस नहीं देगा। मेरी क्लासेस मोस्टली अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग होता है, मतलब कि मैं सुबह 5 बजे क्लास स्टार्ट करता हूँ और रात को 12 बजे क्लासेस को खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, फ्रेशर नहीं होता है। इसलिए अब हम बात ये तो कि हमारी इसके बारे में हम बात करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले कि हर क्लासेस जो भी होगी, एक तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। दूसरी चीज, नोट्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, सैंपल फाइल मिलेगा, प्रैक्टिस फाइल मिलेगा, और साथ में मिलेगा फ्री रीज्वाइनिंग की फैसिलिटी। मतलब कि अगर इन फ्यूचर में, क्योंकि हमने मानना है कि हमने आपको एक बार पढ़ा दिया और एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं रहेगा, आपने प्रैक्टिस किया तो याद रहेगा, प्रैक्टिस छूट गई तो आप सारी चीज भूल जाओगे। तो चलो अभी आपके ऑफिस में जरूरत नहीं थी इसलिए आपने नहीं यूज किया, 1 साल बाद आपका जॉब चेंज हुआ, आपका ऑफिस चेंज हुआ, या फिर डिपार्टमेंट चेंज हुआ, आपको जरूरत पड़ेगी, तो दोबारा आपको कोर्स एनरोल करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे किसी भी रनिंग बैच में आके अपने कोर्स को रीज्वाइन कर सकते हैं, मेरी किसी भी रनिंग बैच में, तो रीज्वाइन फ्री मिलता है। अब हम बात करते हैं कोर्स के बारे में। बिल्ला बनाया हुआ हमें तो खिला दे, मैंने तो हद ही कर दी कल। कहाँ अब हमारी वेबसाइट, आप iptindia.com को लॉग इन किए, जहाँ पे आपने डेमो क्लास का फॉर्म भरे थे उस पे अगर जाएंगे तो मेरे कोर्सेज के बारे में आपको सारा पता चल जाएगा। यहाँ क्लिक करके आपने डेमो फिल किया था, तो इसमें आप आते हैं हमारे पास। हमारे पास मेनली 3 कोर्स हैं, एडवांस एक्सेल फॉर प्रोफेशनल, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, इसमें आपको
इसमें कंप्लीट एक्सेल मेनूबार कमांड है, मोर देन 200 फॉर्मूला है, एरे फॉर्मूला है, डैशबोर्ड्स है। इसकी ड्यूरेशन आपको 35 घंटे की, ड्यूरेशन एवरेज है, 35 से 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग स्टाइल पे। तो ड्यूरेशन हम टॉपिक को मेंटेन करते हैं। दूसरा हमारा आता है एक्सेल वीबीए मैक्रोज पावर पॉइंट पावर प्रोग्रामिंग सॉरी एक्सेल वीबीए मैक्रोज पावर प्रोग्रामिंग, और तीसरा हमारा आता है एमएस एक्सेस डेटाबेस। तो तीनों को आप इंडिविजुअल कर सकते हो किसी एक को, या फिर आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। अब इसकी कोर्स के बारे में जानना चाहेंगे तो खैर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पेजेस को खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे कोर्सेस पार्ट वाइज दिल है, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। तो ये जो कोर्स है सर, ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि एक्सेल का पार्ट है और मेरे किस आउटलाइन में मिसिंग है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखिएगा। पहली चीज कि आपके पास प्रैक्टिस का टाइम हो, क्योंकि मेरे कोर्स में क्लास इंपोर्टेंट नहीं होता है, प्रैक्टिस इंपोर्टेंट होता है। क्लास तो आज छूट गई तो कल ले लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आज छूटेगी तो कल आपको दो दिन का प्रैक्टिस हो जाएगा, जो कि ऑफिशियल लाइफ में टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप 45-40 मिनट या घंटे का क्लास लेते हैं तो आपके पास दो घंटे प्रैक्टिस का होना चाहिए, क्योंकि रिसर्च जरूरी होता है। दूसरा जो मैं बताया आपको, रिसर्च मतलब ये कि जब हम आपको क्लास देंगे तो जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एक्सेल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही पढ़ाया, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आपको 5 या 10 एग्जांपल आपको दे देंगे। आप कोशिश करेंगे, बहुत जिद करेंगे तो मैं 5 और 15 एग्जांपल दे देंगे, लेकिन इतना एग्जांपल आपको एक्सेल के नॉलेज देगा लेकिन आपको एक्सेल का एक्सपर्ट नहीं बनाएगा। तो एक्सेल का एक्सपर्ट बनना है आपको तो क्या करना है, आपको उस 15 एग्जांपल को रेफरेंस में लेने के बाद आपको 50 एग्जांपल बनाने, इसके लिए आपको रिसर्च प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टाइम होना चाहिए। अगर इसके लिए टाइम नहीं है तो आप यहां कहीं भी सीखेंगे तो अपना टाइम और पैसा ही वेस्ट करेंगे। क्या मेरे बात सर एग्री है सुधीर जी एंड विकास जी? यस सर, यस सर। क्योंकि अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है तो कहीं भी आप सीखेंगे तो टाइम और पैसा ही वेस्ट करेंगे। सर सर, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की तरह है, एक कोई रट्टा मारने वाली चीज तो नहीं है, कि संस्कृत की श्लोक तो नहीं है कि आपने 10 श्लोक को दिन रात करके रट्टा मार लिया और आपको आ गया। ये मैथमेटिक्स की तरह लॉजिकल है, जहां आपको हर तरीके से सोचना होता है, और मैं हर एक फीचर को बेसिक टू एडवांस कराऊंगा। तो आप मुझे अपने पर्पस बताइए सीखने का और क्या सीखना चाहते हैं ये बताइए। चलिए मैं शुरू करता हूँ विकास जी से। विकास जी बताइए आप क्या सीखना चाहते हैं और पर्पस क्या सीखने का? सर एक्चुअली मैं तो पूरे एक्सेल ही सीखना चाहता हूं, एसक्यूएल बीबीबी और ये एडवांस एक्सेल। ओके समझ गया। आप कंप्लीट कोर्स आपके लिए सजेस्ट करूंगा। और दूसरा चीज कि क्यों सीखना चाहते हैं? सर ऑफिस में मुझे बहुत काम होता है, मैं कंटिन्यू 3 या 4 साल से इस कंटिन्यूस में एक्सेल पे ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फ्लुएंसी नहीं है। जैसे कि वीलुकअप मैं बेसिक जानता हूँ, एडवांस लेवल पे कैसे लगा सकता हूँ वो नहीं जानता, तो इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन। अब चलिए सुधीर जी आप बताइए आपका पर्पस क्या है। आपको ना आप क्या सीखना चाहते हैं? थोड़ा लेट हो गया है, मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया है, तो आप क्या सीखना चाहते हैं और क्यों सीखना चाहते हैं? सर बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे टैब्ल्यू पावर पिवट पावर क्वेरी एंड पावर बीआई। ओके, तो टैब्लू पावर पिवट। ओके, तो सबसे पहले बताइए आपको एक पावर पिवट भी सीखना है आपको, राइट? हाँ सर, वो रिलेशनशिप जो बिल्डअप करते हैं वो तो मुझे पता है। डेटा आप करना, आपका काम है आप डेटा विजुलाइजेशन टूल से सीखना चाहते हैं। हाँ, डेटा विजुलाइजेशन। ओके चलिए,
तो चलिए हम आप लोगों से ये चीज जानने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि देखिए पर्पस क्या है, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ते थे आपने इंजीनियरिंग करते थे कि मैं पास करके जॉब लेंगे क्या, 10th 12th अच्छे नंबर से पास करना, लेकिन ये आपकी कोई डिग्री कोर्स नहीं है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है कि आपने यूनिवर्सिटी में 4-5 लाख रुपए जमा किया, 3-3 साल मेहनत की, मेहनत करने के बाद एक लंबी सी सर्टिफिकेट हाथ में आ गया। आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया, क्या नॉलेज है, क्या कर सकते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे एक मित्र है, उन्होंने MCA फर्स्ट डिवीजन SMU से किया हुआ है, MCA फर्स्ट डिवीजन SMU से किया हुआ है, और उनको अगर मैं नंबर फॉर्मेट, बाइनरी सिस्टम और बहुत सारी चीजों पे बोलूं तो वो आधा एक घंटा लेक्चर दे सकते हैं, इज नॉलेजबल। बट मैंने उनसे पूछा, बट उनको रिज्यूम बनाना हुआ तो अपना रिज्यूम वर्ड पे नहीं बना पाया, क्यों? क्योंकि वो थ्योरिकली पार्ट को पढ़े थे, प्रैक्टिकली तो किए नहीं। तो एक कोर्स ऐसा नहीं है, एक कोर्स आपके ऑफिशियल लाइफ से रिलेट करता है, आप सीख रहे हो जो चीज उसको ऑफिस में इम्प्लीमेंट करनी है, तो आपको आपके क्या आया क्या नहीं आया उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपने जो सीखा उसको आपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, इम्प्लीमेंट करने से क्या बेनिफिट मिला, आपका काम पहले आधे घंटे का था उससे घट के 5 मिनट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका काम 5 मिनट रहता है तब आपको आपका जो है इस कोर्स को ज्वाइन करना, और मेरे साथ मैंने भी आपके साथ मेहनत किया और मेहनत उस पर होता है कि हाँ अब मेरे काम घंटों का काम सेकंडों में हो गया, इट मींस मैंने एडवांस एक्सेल को सीख के यूटिलाइज किया, उसकी सर्टिफिकेट बना के फाइल में नहीं रखी। मेरे बात से एग्री है सुधीर जी या विकास जी? यस सर। मुझे बात अगर कोई ऐसी गलत लगे तो मुझे बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब मेरी सोच है कि कोई प्रूफ रीड नहीं है कि हाँ ये पत्र की लकीर है, ये मैं अपना फीलिंग बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अभी भी विकास जी ने बोला कि उनको नॉर्मल चीजें आती है, उनको एडवांस चीजें सीखनी है। अब हम आपको एडवांस की परिभाषा देते हैं, ठीक है? यस। अब देखिए एक्सेल में कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि हाँ ये एडवांस है और ये बेसिक है, सबको समान ढंग से बनाया हुआ है, समझ गए? अगर कोई बेसिक यूजर जो एक्सेल यूज करता है वही एडवांस यूजर भी करता है, तो एडवांस एक्सेल में ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई अलग एक्सेल पढ़ाऊंगा, आपका एक्सेल वही होगा। एडवांस एक्सेल है क्या, तो उसका यूज है एडवांस लेवल। अब कैसे यूज है, चलिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, राइट सर? अगर मैं 20 को कॉपी करता हूं और 30 में पेस्ट करता हूं तो 30 रिप्लेस बाय 20, लेकिन अगर मैं इसी में राइट क्लिक करता हूं, पेस्ट स्पेशल करता हूं, और पेस्ट स्पेशल में मैं अगर कर देता हूं यहां पे ऐड, तब क्या होगा कि 30 और 20 रिप्लेस नहीं होगा, आपस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और यहां पे 50 होगा। ओके, ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब हम ये आपको किसी ट्रेनर ने पढ़ा दिया, जो भी NIT और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, मैं नाम नहीं खोलना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, मैंने किसी का नाम लिया होगा तो मैं माफी मांगूंगा, लेकिन जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनकी जो ट्रेनर है वो उसी ट्रेनिंग सेंटर से पढ़े होते हैं, उसी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस खराब नहीं, सिलेबस में सारी चीजें हैं, बट जो मैंने बताया ना कि हाँ पेस्ट एज ए स्पेशल में पेस्ट ऐड का काम क्या होता है, यही होता है, ये आपको पढ़ा दें। एक और जो मुझ जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो क्या पढ़ाएंगे वो बताता हूं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मुझ जैसे की बात कर रहा हूं। तो मुझ जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स को पहले समझिए क्या है, मैं क्या पढ़ाऊंगा इसको, कि मेरे पास एक पहले बात करते हैं परसेंटेज की, कि अगर मुझे 20% लिखना है तो 20% का सिंबल देना पड़ेगा तो परसेंटेज आए। अगर हमने 20 लिख दिया और मैं इसके परसेंटेज का सिंबल दे दिया तो 2000% है, मतलब कि मुझे परसेंटेज बाद में लगाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 0.20, उसके बाद परसेंटेज लगा सकता हूं। ये तो रूल हो गया। अब इस प्रॉब्लम के चलते मेरे पास ये जो कलीग है मुझे एक डेटा भेजते हैं और डेटा होता है परसेंटेज, राइट सर? डेटा होता है, सॉरी डेटा 890 कर देता हूँ,
डेटा परसेंटेज का वो हेडिंग दे देते हैं, लेकिन डेटा मुझे भेजते हैं नंबर में, मतलब कहने का मतलब है कि उनके हिसाब से ये 47 नहीं 47% है, और मुझे इस डेटा को जहां यूज करना है वहां पे परसेंट का सिंबल चाहिए इस तरह से लगा हुआ, क्योंकि परसेंट का सिंबल लगने के बाद फिर वो 47 नहीं रह जाएगा 0. आप इसको जनरल फॉर्मेट करते हैं तो 0.47 हो जाता है। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई कि मुझे एक एक करके परसेंटेज करना पड़ जाएगा, राइट सर, तो हमारी प्रॉब्लम हो गई। अब इसकी सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे कि 100 को मैं कहीं और लिखूंगा, इस 100 को कॉपी करूंगा और इसके ऊपर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर परसेंटेज का सिंबल। हो गया सर? तो अगर मैं इस मैनुअल करने चलता, एक एक करके परसेंटेज लगाता, तो मुझे घंटों लग सकते थे, उस काम को मैंने विद इन सेकंड में कर दिया। तो इसको ए हुआ, इसका एडवांस हुआ। तो फीचर वही है, आपको एक बेसिक में भी पढ़ाया गया कि कॉपी अगर ऐड करते हैं तो प्लस हो जाता है, और मैंने भी ये पढ़ाया, लेकिन हमने इसको आपके ऑफिशियली एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करके बताया। तो यही डिफरेंस है एक्सेल में और एडवांस एक्सेल। समझ गए सर? यस सर। मतलब कि हम अपने कोर्स में हर एक चीज को इंप्लीमेंट करना सिखाएंगे, जिससे आपका एक टाइम को कम कर सके। ओके ओके सर। अब हम बात करते हैं वीवी एक्सेल वीवी और जो उन्होंने बताया डेटा विजुलाइजेशन के बारे में। अब जैसे कि एक्सेल जो हमारे लेवल वन एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स है, इसमें मैं आपको जो सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा फाइल मेनू बार से लेके डेवलपर मेनू बार तक हर एक फीचर्स को मैं सब करूंगा। मैं फॉर्मूला पूरा तो नहीं करूंगा, लेकिन मोर देन 200 फॉर्मूला, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, फाइनेंशियल के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब इसको सिखाने के लिए आपको फाइनेंस पूरा सिखाना पड़ेगा, ऐसे आपको इंजीनियरिंग फॉर्मूले हैं, मैथमेटिक्स सिखाना पड़ेगा, ऐसे फॉर्मूले जो कि आप नहीं सीख पाएंगे उसको हम छोड़ देते हैं, फिर भी हम ओपन ये देते हैं कि आपको नोट कर लेंगे कौन से फॉर्मूले आपको सीखना है। अगर वो फॉर्मूले मुझे नहीं आते होंगे तो मैं रिसर्च करके आपको सिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन 200 से ऊपर फॉर्मूले मैं आपको सिखाऊंगा जो कि रिपोर्ट ऑटोमेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हर एक चीज बात करूंगा, इस पर हर एक चीज पर डिस्कस करूंगा। अब इसमें ये तो हो गई हमारी लेवल वन। लेवल टू में हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। अब वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या होता है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है एक्सेल में इनबिल्ट फीचर्स है, उनके अलावा मानते कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दे दिया इनबिल्ट फीचर कि आप कर लो, लेकिन ये सारे फीचर्स आपके काम को, आपके इसको तो नहीं कर पाएगा ना, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हम वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए अपने लिए खुद के फीचर्स डेवलप करते हैं। किस तरह के फीचर्स? रिपोर्ट ऑटोमेशन। जैसे कि मुझे, आपको भी देखा होगा, आपको मैंने मेल किया है क्लास के लिंक। अब मुझे हर एक घंटे में मेल करना होता है, तो मैं हर बार क्या करूं, मेल को, अपने जो हमारा मेल है, मेल को लॉगिन करूं, कंपोज करूं, टाइप करूं, सब भेजू। तो मैंने क्या किया हुआ है कि इसके लिए एक ऑटोमेटेड माइक्रोज क्रिएट कर लिया है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने क्लास का टाइम डालता हूँ, उनके सारे ईमेल आईडी मुझे वीलुकअप से आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं अपनी क्लास के लिंक रखता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, और हमारे पास एक माइक्रो है मेल का, सेंड करता हूँ। ये ऑटोमेटिक मेरा बैकग्राउंड में जीमेल को लॉगिन करता है, मेल को कंपोज करता है, पेस्ट करता है और सेंड कर देता है, और ये काम विद इन सेकेंड में करता है, ठीक है सर? हेलो। तो लेकिन इसका यूज हम कहां करेंगे, जो रिपीटेड जॉब है, मतलब कि ऐसे काम जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, राइट सर? ओके सर। ऐसे कामों में हम वीवी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम वीवी का यूज करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी रिपोर्ट को आप ऑटोमेट कैसे कर सकें और जो फीचर्स अवेलेबल नहीं है वो फीचर्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो वीवीए में आपको बेसिकली तीन चीजें मैं सिखाऊंगा। पहला सिखाऊंगा माइक्रो, जो कि एक ऑटो पायलट, जो भी मेरा मेल बना बनाया वो माइक्रो होता है, उस तरह के ऑटो पायलट जो आपका काम खुद कर दे, अब बस आपको ट्रिगर करना है।
दूसरा आता है फंक्शंस। मान लीजिए कि कुछ ऐसा फॉर्मूला एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, जैसे वी लुकअप की बात करें तो वी लुकअप में क्या है कि एक ही डेटा को लुकअप करता है ना। मान लीजिए कि सुजीत नाम के 10 नेम अगर एक कॉलम में है तो वी लुकअप एक ही सुजीत को मैच करेगा। अगर आप एडवांस एक्सेल में और आगे बने तो वी लुकअप लिस्टिंग वाला मेथड में आप ना सकते हैं, तो वी लुकअप लिस्टिंग क्या करेगा कि बाकी को दे देगा लेकिन वो अलग अलग सेल में देगा, मैं एक ही सेल में कॉमा कॉमा करके चाहिए, तो ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं, तो इसलिए फॉर्मूले खुद के लिए बना सकते हैं। तो फंक्शंस होता है। और दूसरा तीसरा होता है हमारा यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म ये इंटरफेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि जो पॉपअप होता है ना, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कर दिया आपका फॉर्मेट से लिख दिया, ये पॉपअप आया, पॉपअप आया, इस तरह की पॉपअप इंटरफेस के लिए क्रिएट करने के लिए यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज करते हैं। और बात करते हैं MS Access। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे कोर्स में MS Access क्यों इंक्लूड है, तो क्या कि कुछ ऐसे काम है जो कि एक्सेस से जो है इजीली हो जाता है, एक्सेल में होता नहीं है या फिर लंबी, जैसे कि आप चाहते हो कि आउटलुक की सारा डेटा कॉपी होके आपके मेल पे आ जाए, इसमें एक्सेल पे आ जाए, तो आउटलुक को पूरी मेल को लाना नॉर्मली बहुत मुश्किल है एक्सेल में। हम क्या करते हैं, आउटलुक को इंपोर्ट करते हैं एक्सेस में और एक्सेस को इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल में, क्योंकि एक्सेस का डेटा एक्सेल में आता है। तो एक्सेस में आपको भी तीन चीजें कराई जाएगी, तीन नहीं, इसमें आपको जो है एक्सेस में आपका टेबल क्यूरी फॉर्म और इसमें आपका होगा रिपोर्ट। क्यूरी में आपको SQL कराया जाएगा, SQL क्यूरी लैंग्वेज, और फॉर्म में आपको VBA कराया जाएगा जो एक्सेस का VBA है, राइट सर। तो ये तीनों आप एक साथ कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। अब इनके तीनों के अलावा हमारा जो कोर्स है वो कोर्स है टैबलू एंड पावर BI का, टैबलू एंड पावर BI का, जो कि अभी हमारे जो रात ज्वाइन किए हैं लॉग आउट कर दिए। तो एक कोर्स डेटा विजुलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि एक्सेल के लिए, ठीक है। डेटा विजुलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना है, राइट सर, अभी क्या है, नए सॉफ्टवेयर है, तो एक्सेल में अगर आपको एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है तो नॉर्मली आप एक्सेल के थ्रू डैशबोर्ड क्रिएट करोगे, डायनेमिक क्रिएट करोगे, तो टाइम कंज्यूम करेगा, बहुत एफर्ट भी लगाना पड़ेगा और टाइम भी बहुत कंज्यूम करेगा, जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको यहां बता रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट दिख रहा है, अब इसको बनाने में, पूरी रिपोर्ट को बनाने में कम से कम नहीं भी तो 2 से 3 घंटा 4 घंटा लगेगा इस रिपोर्ट को बनाने में, ठीक है आपको सर। अब इसी रिपोर्ट को हम टैबलू एंड पावर BI में एक दो मिनट में बना देंगे, समझ गए सर। देखिए इसके जैसा पूरी फुल्ली डायनेमिक वगैरह नहीं होगा, लेकिन हाँ सिमिलर हम इसको बना देंगे। तो इसलिए पावर BI या टैबलू, तो ये अलग है कोर्स, इसका अलग है, डेटा विजुलाइजेशन कोर्स कहलाता है, वो चीज अलग है। अब हम बात करते हैं आपके टाइमिंग के बारे में, कौन सी टाइमिंग चाहिए। तो VBA सुधीर जी आपको करना था, VBA करने के लिए एक्सेल अच्छा होना चाहिए, पहले ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो VBA का नया बैच आपको मॉर्निंग से का मिल जाएगा, 7:15 मॉर्निंग का एक हमारे पास टाइम स्लॉट खाली है, वो आप ज्वाइन कर सकते। डबल है आपके लिए सर, मेरे लिए सूटेबल है। सुधीर जी में आवाज आपको आ रही है सर, इवनिंग का कोई बैच नहीं है, इवनिंग का सेशन, सॉरी सर, कॉल आ गई थी सर, सॉरी। इवनिंग में आपके लिए सुटेबल नहीं है ना, सो मॉर्निंग सुटेबल नहीं है, इवनिंग में कितना बैच चाहिए आपको, इवनिंग में कोई मिलेगा आफ्टर 8, आफ्टर 8 तो आपको 10:20 में मिलेगा सर,
नो प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुआ है उसमें आपको 10 क्लासेस एक्सो की करनी पड़ेगी उसके लिए हम चार्ज नहीं करेंगे लेकिन वो आपके लिए अच्छा रहेगा उसमें जैसे कि डैशबोर्ड डायनामिक चार्ट क्रिएशंस रिपोर्ट ऑटोमेशंस फार्मूला नेस्टिंग सब चीज होगा क्योंकि आपको 50% नहीं आता होगा जहां मेरा अनुमान है तो आपको सीखने को मिल जाएगा सर और विकास जी आपके लिए इवनिंग का 8 बजे का बैच है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं 8 बजे सुटेबल है आपके लिए यस सर ये वीकेंड पे ही पॉसिबल है अच्छा आप सैटरडे एंड संडे ही ज्वाइन करना चाहते हैं हाँ मंडे टू फ्राइडे में प्रॉब्लम होती है क्या सर वो सॉरी सर मेरा पावर फ्लेक्चुएट होने से मोडम ये स्टार्ट हो गया वोल्टेज अप डाउन हुआ है फ्लेक्चुएट किया है तो मैं कह रहा था मॉर्निंग में कोई भी टाइम होगा तो आफ्टर 8 o'clock विकास जी बोल रहे हैं मॉर्निंग में चाहिए आपको आफ्टर 8 o'clock 10 बजे हाँ 10 से कितने बजे है 11 बजे है नहीं मुझे 10 वाला दे दीजिए फिर आप मंडे टू फ्राइडे की बात करें ना यस सर हम तो 10 बजे आप ले सकते हैं 10 बजे में क्या है सर अल्टरनेट डेज है डेली नहीं है सर ये मंडे है वेडनेसडे है एंड फ्राइडे है ओके नो इश्यू सर ठीक है नो कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं इसको आप ठीक है ठीक है सर और 10:20 में आप ज्वाइन कर सकते हैं सुधीर जी अब बात रही कि मैं क्या पढ़ाता हूँ कैसे पढ़ाता हूँ तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस यूट्यूब पे देखे हैं यस सर मैंने तो बहुत सारे देखे हैं तो फिर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ जिन्होंने नहीं देखा है और यूट्यूब पे जाए IBT इंडिया को सर्च करें तो आपको मेरे करीब 2200 से ऊपर वीडियो तकरीबन 2500 के आसपास है कुछ और कन्वर्ट हो रहे हैं वो वीडियोज आपको दिख जाएंगी और सारी वीडियोज हमारी क्लासेस की है ठीक है सर ये सारी वीडियोस हमारी क्लासेस की है हम क्या करते हैं कि जो हमारी क्लासेस होती है उस क्लास दिन में मैं 14-15 क्लास लेता हूँ उसमें से मैं 3-4 क्लासेस को अपलोड कर जैसे देखिए मैंने सुबह एक्सेस की क्लास कल एक्सेस की क्लास ली है तो हमने ऊपर यहाँ पे अपलोड कर दिया होगा 47 मिनट की क्लास ठीक है तो आप देखिए वहां पे पता चल जाए ऐसे आप लोग कल से ज्वाइन कीजिए क्लासेस अभी आपको पेमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ 2-3 दिन क्लास लीजिए उसके बाद आप लोग इसकी पेमेंट कीजिएगा ठीक है सर वो पेमेंट के बारे में एक कंफर्म करना था सुधीर जी ज्वाइन करेंगे VVA के लिए लेकिन VVA अभी स्टार्ट नहीं होगा VVA 10 क्लास बाद स्टार्ट होगा और दोपहर में 10 बजे आप ज्वाइन करेंगे अब बात करते हैं इनसे चले गए थे डेटा विजुलाइजेशन के लिए सुधीर जी हेलो सुधीर जी आवाज आ रही है सर सॉरी सुधीर जी से बात हो गई है ना खादिम जी आवाज आ रही है मेरी आपको जी सर आ रही है आवाज तो आपने बोला कि आपको सीखना है पावर पिवट यस सर पावर क्यूरी Power Query, Power BI, और Tableau as well, sir. और आपको Tableau सीखना है। सबसे पहले तो ये कि फिर Power BI तो चलो फ्री है, फ्री वाला आपसे मिल जाता है, वो लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन Tableau कैसे लेके आएंगे? Tableau फ्री तो नहीं है, तो आपके पास Tableau है? टैब्लू तो नहीं है सर बट वो जो टैब्लू जो पब्लिक वाला है वो मतलब लर्निंग टैब्लू का टैब्लू पब्लिक जो है वो क्या है वो एज अ लर्निंग वे में यूज कर सकते हैं ना सर लर्निंग वे नहीं है तो मान लीजिए कि मैंने टैब्लू का रिपोर्ट बनाया और टैब्लू के रिपोर्ट्स को मैं पब्लिश कैसे करूंगा भेजूंगा कैसे अगर टैब्लू की रिपोर्ट्स मैंने आपको भेज दी
तो आप तो टैब्लू की रिपोर्ट, आपके पास टैब्लू सॉफ्टवेयर नहीं है तो नहीं देख पाएंगे ना सर। आप टैब्लू पीडीएफ में देख सकते हैं ना सर। एक मिनट, मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना सर। हाँ ठीक है सर, सॉरी। तो टैब्लू नहीं है तो नहीं, तो आपको पीडीएफ में देखना पड़ेगा या फिर इंटरनेट का जो वर्जन है उसका उस पर देखना पड़ेगा। इन दोनों में डायनेमिक तो नहीं होगा, स्टैटिक ही होगा ना। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक महीने का, पूरे एक साल का रिपोर्ट भेजना है मंथली, तो आपको क्या करना होगा, मुझे 12 पीडीएफ बना के भेजने पड़ेंगे ना सर। राइट, क्योंकि पीडीएफ पे फिल्टर तो लगा पाएंगे कि हाँ जैन मंथ, फैन मंथ, चाहे इंटरनेट जो पेज में पब्लिश होगा। तो उन लोगों के लिए होता है टैब्लू पब्लिक, टैब्लू पब्लिक होता है रिपोर्ट व्यू करने के लिए और थोड़ी बहुत फिल्टरिंग और चेंजिंग करने के लिए। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पे पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए, एक तरीका और भी है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए किसी यूनिवर्सिटी का आई कार्ड। यूनिवर्सिटी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी नाम, किसी के नाम से। तो आपके कोई दोस्त, आपके कलीग या भी आपके कोई मित्र हैं जो कि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उनके नाम से आप स्टूडेंट वर्जन का लाइसेंस ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, ठीक है। हाँ सर, सोचिए, पहले तो 20,000 मैंने पहले ही मचा दिया आपका। हाँ क्या 15-20,000 का थैंक यू, इसके बाद तो मैंने पहले ही बता दिया सर। वो जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो टैब्लू आपने बताया स्टूडेंट वर्जन पे जो फ्री है, स्टूडेंट के जो आईडी कार्ड पे फ्री मिलेगा, उसका कोई ड्यूरेशन रहेगा ना सर, लिमिटेड ड्यूरेशन रहेगा ना, जब तक आपका आई कार्ड का ड्यूरेशन है। ओके ठीक है, क्योंकि मैं 3 साल से तो मैं चला रहा हूँ। अच्छा, 6 साल का ड्यूरेशन है, इग्नू का मैंने दिया हुआ, इग्नू में 6 साल का होता है। अच्छा ठीक है, आईडी कार्ड यूज करके मतलब मैं कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो। अब टाइमिंग की बात रही, कौन सा टाइम में आप लेना ज्वाइन करना चाहेंगे? संडे ओनली सर। ओनली संडे? संडे ठीक है, तो ओनली संडे आपको 9 to 11 दे सकता हूँ मैं। 9 to 11 मॉर्निंग, 9 to 11 सर पॉसिबल। हाँ सर, आफ्टर 10 हो पाएगा क्या, अगर पॉसिबल हो तो? सर मेरे पास अगला क्लास 11 है, तो आफ्टर 10 लेंगे तो आपको 1 घंटा ही मिलेगा। संडे को और कोई टाइमिंग सर अगर पॉसिबल हो आपके लिए? कि मैं और भी पढ़ाने जाता हूँ सैटरडे संडे, मैं लेक्चरर हूँ तो मैं डिस्टेंस लर्निंग में, तो मुझे जाना होता है, तो मैं 11 बजे क्लास, 11 से 1 क्लास लेकर मैं 1 बजे निकल जाता हूँ, क्योंकि शाम को मैं 7 से 8 बजे तक आता हूँ। और शाम का टाइम बैच मैं आपको इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कभी मैं 7 बजे आऊंगा, ट्रैफिक हो गया, तो मैं 9 बजे भी आ सकता हूँ। बाकी मंडे टू फ्राइडे अब मैं अपने ट्रेडिंग में होता हूँ, कहीं जाना नहीं होता है, काम भी बराबर वर्क फ्रॉम होम है। तो सर अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे तो कोई 9 to 11 ही बैच मिलेगी आपको, बेस्ट है 9 बजे। आप संडे को जाना कहाँ 9 बजे आपको? ना संडे को मुझे किधर भी नहीं जाना होता है, तो मैं कंफर्टेबली कैसा ना सीख पाऊंगा? हाँ तो 9 बजे मॉर्निंग में अच्छा है, मॉर्निंग में वैसे भी आपका दिमाग खुला हुआ रहेगा, सोएंगे तो 8 से 7 बजे सोइए, क्लास ले लीजिए। अच्छा, और बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि मॉर्निंग का प्राइस सबसे बेस्ट प्राइस होती है। वो तो है सर, बट कैसा ना सर, थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या फी? देखिए ये आपको पावर क्यूरी बीआई ये सब का फीस आपको 3,000 लगेगा सर। आपकी और आपका बेनिफिट ये होगा कि आपकी क्लास इंडिविजुअल होगी, ठीक है सर। ओके, ड्यूरेशन क्या रहेगा सर? देखिए ऐसे सबका ड्यूरेशन मिलाया जाए तो सबका ड्यूरेशन तकरीबन 40 घंटे के आसपास पड़ता है, क्योंकि आपका पापा पिबर्ट पावर क्यूरी जो है यही आपका कम से कम 8 घंटा खा जाएगा, 8 क्लासेस लेगा, 4 क्लासेस, क्योंकि पावर पिबर्ट से पहले आपको पिबर्ट पढ़ाना पड़ेगा। हाँ तो ये आपका 8 घंटे तो एक हो जाएगा। ओके उसके बाद चलेगा सर मुझे। हाँ
तो एवरेज ड्यूरेशन 40 घंटे हैं, अगर एक वीक में 2 घंटे लेते हैं तो आपको सोच लीजिए वही 5 महीने के आसपास क्लास चलेगा। हाँ ठीक है, और इसकी फीस आपको 10,000 लगेगी सर। 10,000 ना, और इसको वन टाइम ही पे करना पड़ेगा क्योंकि आपका इंडिविजुअल बैच है, टाइम को रिजर्व करने के लिए। वन टाइम सर कोई